पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने साधा रोहित पर निशाना। क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे पूर्व क्रिकेटरों की राय शुमारी बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड कप 2023 से पहले एशिया कप 2023 का आयोजन हो रहा है, लेकिन टीम इंडिया को ताने अभी भी सुनने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को ताना मारा है। उन्होंने कहा है कि भारत ने पिछले करीब एक दशक से एक भी आईसीसी खिताब नहीं जीता है। हालांकि जिस अंदाज में टीम इंडिया का हाल के दिनों में प्रदर्शन रहा है, उससे तो कईयों को यही लगता है कि भारत के विश्व कप में बेहतर करने को लेकर शक पैदा हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर भी उन्हीं में से एक है। उनकी बड़ी वजह यह भी है कि रोहित की कप्तानी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। एक YouTube से बातचीत करते हुए शोएब ने कहा है कि भारतीय टीम पर बहुत ज्यादा दबाव होने जा रहा है, क्योंकि अपनी धरती पर फैंस को ट्रॉफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि पहली बात तो यह है कि यह दबाव है जो आप बहुत ही ज्यादा अपनी टीम पर डालने जा रहे हैं। इस दबाव के साथ खेलना लगभग असंभव है। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने बताया है कि किसी भी कप्तान के लिए दबाव से निपटना और अपनी टीम की बेहतर करने में मदद करना बहुत ही ज़्यादा अहम है। आखिरी बार भारत ने आईसीसी ट्रॉफी जीतने में मदद करने वाले कप्तान एमएस धोनी थे। अख्तर ने कहा है कि उनका मानना है कि रोहित दबाव नहीं झेल पाते हैं, दबाव उन पर हावी हो जाता है। शोएब अख्तर की बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।